ग्रीन सफरा लग गया यहाँ पर, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है मस्जिद हरम का नज़ारा। आप देख रहे हैं मगरिब का टाइम हो रहा हैगा। वेलकम बैक, अशरफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मुकदम है। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफ़र। और दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, 1446 हिजरी, और ये गम का महीना भी है और नए साल का भी महीना है, क्योंकि मुहर्रम में नई साल हो जाती है अरबी के हिसाब से दोस्तों। और मुहर्रम में जो है 9, 10, 11 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाता है, ये सुन्नत है। चलिए पहले हम करते हैं इफ्तार दोस्तों, क्योंकि मुहर्रम है। और दिखाते हैं मस्जिद हरम के पास ये कितना रश है दोस्तों। ये देखिए ना माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी रश है, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है रोज़ा वोज़ा वगैरह है। देखते हैं कहाँ पर सफरा वगैरह लगा हुआ है दोस्तों। चलिएगा इस साइड में चल के दिखाते हैं। अभी टाइम है मगरिब के अंदर अजान होने में दोस्तों। ये देखिएगा माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्योंकि लोकल के लोग काफ़ी उम्रे वाले यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ वगैरह है, और काफ़ी लोग उम्रे के लिए भी आए हुए हैं। काफ़ी रश है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी बैरिकेडिंग वगैरह लगी हुई है, काफ़ी लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, काफ़ी भीड़, काफ़ी रश, क्योंकि ख़ास तौर से लोग इफ्तार के लिए आए हुए हैं मस्जिद हरम के लिए। 9, 10, 11 तारीख को ख़ास तौर से रोज़ा रखा जाता है। अगर सुनने से देखिए जो इस साइड में जा रहे हैं, तो मैं आपको खड़ी के टाइम ये टाइम दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, 7:02 हो चुके हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप माशाल्लाह तबारकअल्लाह। काफ़ी भीड़ है लेकिन दोस्तों, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये बैरिकेडिंग कर रखी है, काफ़ी दिक्कत है, आदमी कैसे जाएगा। चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पर जो है इफ्तार करना चाहिए दोस्तों। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी भीड़। देखिए इस साइड से रास्ता खुला हुआ है इंशाल्लाह, इधर से हम दाखिल होते हैं। इधर इस साइड में देखिए ये रास्ता खुला हुआ है, इधर से लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। इंशाल्लाह इसके अंदर हम चलते हैं दोस्तों। चलिए देखिए कहाँ जगह मिलती है वो देखते हैं दोस्तों। काफ़ी भीड़ है दोस्तों माशाल्लाह, भीड़, काफ़ी रश है दोस्तों। देखिए पूरा ग्रीन सफरा लगा हुआ है, यहाँ इफ्तार हो रहा है बाहर, लोगों ने ये बिछा रखा, दिख रहे हैं आप। चलिए पूरा यहाँ पर सफरा वगैरह लगा हुआ है, देखिए जमजम भी रख दिया है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। जैसे
ऐसी आसान हो रही है, आसान हो रही है दोस्तों। अज़ान हो गई है कि लोग होते का इफ्तार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, और लोग यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। काफी बाहर तक तो नहीं भीड़ है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली नमाज मगरिब की पढ़ ली, इफ्तार भी कर लिया, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना चल गया है, तो 9, 10, 11 मुहर्रम को जो है दोस्तों रोज़ा रखना बहुत ही सुन्नत है, बहुत ही सवाब है। कसम करके लोग इफ्तार के लिए हरम में आते हैं, आपको देखा मुहर्रम के महीने में भी माशाल्लाह जो है काफ़ी रौनक है, और ख़ास तौर से इफ्तार के लिए लोग यहाँ पर हरम के लिए आते हैं। और अभी जनाजे की नमाज बाकी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देख रहे हैं आप इस साइड में माशाल्लाह, देख रहे हैं आप कितना रश है, फुल भरा हुआ है। देखिए देखिए जनाजे की नमाज़ पढ़ लें पहले दोस्तों, नमाज़ पढ़ते हैं जनाजे की। जनाजे की नमाज़ माशाल्लाह हो गई है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, क्योंकि ख़ास तौर से काफ़ी लोगों का रोज़ा है, ये मैंने आपको मुहर्रम बताया। काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, इतना रश है माशाल्लाह, नज़ारा है। देखिए अब लोग जो लोकल के लोग हैं घरों पर जा रहे हैं, अपने कुछ होटलों पर भी जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए कितना भीड़ है, कितना रश है, ये देख रहे हैं आप, रमज़ानों जैसा माहौल है माशाल्लाह तबारक अल्लाह, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये मुहर्रम का महीना है, और देखा कि लोग 9, 10, 11 तारीख को जो है रोज़ा रखते थे, ये वो भी मैंने आपके लिए दिखाया, और काफ़ी भीड़ भाड़ है माशाल्लाह, काफ़ी रौनक है, ऐसा लग रहा था रमज़ान है, क्योंकि लोकल के लोग ज़्यादातर जो है हरम में आकर जो है इफ्तार करते हैं दोस्तों। और दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ये छोटा सा ब्लॉग बनाया आपके लिए खास तौर से मुहर्रम का महीना दिखाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो आपके लिए कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।